हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अक्टूबर को होने वाली रॉ के प्रीव्यू के बारे में, जिसके लिए WWE ने काफी बड़े बड़े सेगमेंट्स कंफर्म कर दिए हैं। हमें एक बैटल रॉयल देखने को मिलेगी, ड्राफ्ट भी अनाउंस होगा, सेट रॉलिंस भी आएंगे नेक्स्ट रॉ पर। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन का फेस ऑफ काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग रॉ होने वाली है। इसके साथ ही वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन से। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि फिंड रॉ पर ड्राफ्ट हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हमेशा की तरह लेडीज फर्स्ट फीमेल डिवीजन की तरफ से एक बैटल रॉयल कन्फर्म हो चुकी है, जिसमें मल्टीपल फीमेल सुपरस्टार कम्पीट करेंगे और जो भी इस मैच में जीतेगा वो हेल इन अ सेल में फेस करेगा आस्का को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो नेक्स्ट रॉ पर एक और मैच कन्फर्म हो जाएगा हेल इन अ सेल के लिए और हमें नया चैलेंजर देखने को मिलेगा आस्का के अगेंस्ट। इसके बाद गाइस, हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा एलेस्टर ब्लैक वर्सेस केविन ओवंस के बीच में, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, पर उस मैच की एंडिंग कुछ फेयर नहीं थी। पर ये मैच होने वाला है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, इस मैच का हमें कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और अभी इन दोनों सुपरस्टार्स का ड्राफ्ट नहीं हुआ है, ये दोनों सुपरस्टार अगर एक ही ब्रांड पर रहने वाले तो हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की फ्यूड कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस, एक और सेगमेंट कंफर्म कर दिया है, ये होने वाला है मुस्तफा अली और रेट्रीब्यूशन का। और यहाँ पर मुस्तफा अली पूरी बातें बताने वाले हैं कि आखिरकार उन्होंने रेट्रीब्यूशन क्यों बनाई, रेट्रीब्यूशन से उनका क्या लेना देना है, रेट्रीब्यूशन को लेकर आगे वो क्या करने वाले हैं। और हमें यहाँ पर मुस्तफा अली के साथ रेट्रीब्यूशन तो देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें हर्ट बिजनेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गाइस अभी हर्ट बिजनेस की फ्यूड चल रही है रेट्रीब्यूशन से और यही फ्यूड आगे कंटिन्यू रहने वाली है। पर दोस्तों, अभी रेट्रीब्यूशन में बंदे ज़्यादा हैं, हर्ट बिजनेस में कम, तो हमें हर्ट बिजनेस में भी और सुपरस्टार ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो अब ये फ्यूड किस तरह से आगे जाती है, WWE इन दोनों टीमों के बीच में मैच कब कंफर्म करेगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके अलावा गाइस, हमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलेगी, वो होने वाली है ड्राफ्ट की सेकंड अनाउंसमेंट। ड्राफ्ट की सेकंड नाइट है कल नेक्स्ट रॉ पर, जहां पर हमें कई सुपरस्टार्स की ड्राफ्ट अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी कि वो रॉ पर जाएंगे या फिर स्मैकडाउन पर, जहां पर शामिल है फिंड, रैंडी ऑर्टन, रोन स्टोमैन जैसे दिग्गज सुपरस्टार अभी भी रह रहे हैं ड्राफ्ट के अनाउंसमेंट के लिए, तो नेक्स्ट रॉ पर भी ड्राफ्ट काफी इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा गाइस, एक और सेगमेंट कन्फर्म वो होने वाला है स्मैकडाउन सेवियर सेट रॉलिंस का, और सेट रॉलिंस यहाँ पर फेयरवेल देने आएंगे रॉ पर। और जैसा कि आपको पता है, सेट रॉलिंस की फ्यूड चल रही थी बडी मर्फी से और बडी मर्फी की अभी ड्राफ्ट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो हमें सेट रॉलिंस और बडी मर्फी के बीच में एक और सेगमेंट देखने को मिलेगा। पर क्या ये फाइनल सेगमेंट होने वाला है, अगर बडी मर्फी रॉ पर रहते हैं तो ये फ्यूड हमें कंटिन्यू देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर सेट रॉलिंस कुछ ऐसा कर सकते हैं बडी मर्फी और अलाया के बीच में, जिससे कि बडी मर्फी और अलाया के बीच में रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो सेट रॉलिंस अब क्या करेंगे, क्या हमें बडी मर्फी वर्सेस सेट रॉलिंस के बीच में एक और मैच देखने को मिल सकता है नेक्स्ट रॉ पर, ये सेगमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दोस्तों, अभी रॉ अंडरग्राउंड को लेकर क्या प्लान है, दो हफ्ते से हमें रॉ अंडरग्राउंड देखने को नहीं मिली है और पॉसिबली नेक्स्ट रॉ पर रॉ अंडरग्राउंड वापस आ सकती है। पर अब रॉ अंडरग्राउंड में कौन कौन से सुपरस्टार आने वाले हैं, ये तो हमें नेक्स्ट रॉ पर ही पता चलेगा। इसके बाद गाइस, बात करें मेन इवेंट की, जो कि हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते रॉ पर देखा, रैंडी ऑर्टन ने पिन किया ड्रू मैकइंटायर को और रैंडी ऑर्टन स्ट्रांग दिखाई दिए ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट। पर गाइस, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा रैंडी ऑर्टन पर, वो रैंडी ऑर्टन से बदला लेने जरूर आएंगे। और जैसा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हेल इन ए सेल मैच कंफर्म है, तो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल सकती है या फिर अनाउंसमेंट कर सकती है WWE कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की, जो कि होगी इससे अगली रॉ के लिए। पर गाइस, फिर भी ये फ्यूड देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, रैंडी ऑर्टन फिर कुछ ना कुछ चालाकी करेंगे ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट। पर अब WWE किसे स्ट्रॉन्ग दिखाएगी, क्या ड्रू मैकइंटायर बदला ले पाएंगे रैंडी ऑर्टन से उन लीजेंड्स पर अटैक का। नेक्स्ट रॉ काफ़ी धमाकेदार होगी, तो नेक्स्ट रॉ बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि सिर्फ कुछ ही घंटों में स्टार्ट होगी। पर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना क्या आपको क्या लगता है, सेट रॉलिंस और बडी मर्फी की फ्यूड कंटिन्यू रहेगी या नहीं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।